हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमन। आज हम लोग इंसॉल्वेंसी अकाउंट का सेकंड क्लास कर रहे हैं। लास्ट क्लास जो पहला क्लास था हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी अकाउंट से रिलेटेड बेसिक डिस्कशन किया था और जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि सर जब इंसॉल्वेंस होता है, जब बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में मेन प्रॉब्लम होता है कि जो हमारा लाइबिलिटी होता है उसका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। तो लाइबिलिटी को हम लोग चार हेड में बांटे थे, कौन कौन सा, अनसिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड और फोर्थ था प्रिफरेंशियल। फिर हम लोगों ने ये समझा कि सर फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड तो पता चल जाएगा कि हाँ जिस लाइबिलिटी को उसके अमाउंट से अधिक का सिक्योरिटी मिलेगा वो फुल्ली सिक्योर्ड, जिस लायबिलिटी को उसके अमाउंट से कम का सिक्योरिटी मिलेगा वो पार्टली सिक्योर्ड। ये आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल, लेकिन अनसिक्योर्ड और प्रिफरेंशियल इसी में झमेला था। तो हम लोग बोले इंसॉल्वेंसी हम लोग को तीन मेथड से पढ़ना है, एक प्रेसिडेंसी एक्ट से, दूसरा प्रोवेंशियल एक्ट से, तीसरा बैंकरप्सी एक्ट से। हम बोले हाँ, ये तीनों एक्ट हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, इसमें बोले थे कि जो पहला और दूसरा प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल है पहले इन दोनों को पढ़ें क्योंकि ये सिमिलर है, उसके बाद जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट 2016 है उसको सेकेंड हाफ में पढ़ा जाएगा कि सर पहले इसको खत्म करेंगे फिर वो पढ़ेंगे। फिर हम बोले थे कि इन दोनों के लिए प्रिफरेंशियल का डिफिनेशन दे दिया गया कि क्या होता है प्रिफरेंशियल, जिसमें हम लोगों ने प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल दोनों के अंदर पाया कि हाँ सर कुछ चीजों को लिखा गया है, जैसे गवर्नमेंट और एक्ट क्या चीज 100% प्रेफरेंशियल होता है। उसके बाद सैलरी ऑफ क्लर्क, वेजेज ऑफ सर्वेंट एंड लेबर, ये भी प्रेफरेंशियल होता है लेकिन लास्ट 4 मंथ का और एक लिमिट दे दिया गया। अगर प्रेफरेंसी का बात करें तो लिमिट था क्लर्क के लिए 300 रूपीज मैक्सिमम और सर्वेंट और लेबर के लिए 100 रूपीज, जबकि इन केस ऑफ प्रोविंशियल एक्ट वहां पे लिमिट कितना था 20 रूपीज का। रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, जो लैंडलॉर्ड होता है उसका रेंट पे कितना लिमिट दिया गया था कि सर प्रेफरेंसी एक्ट के अंदर रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड 1 महीना का प्रेफरेंशियल माना जाता है और बाकी सारे महीने का अनसिक्योर्ड। उसके बाद प्रोविंशियल में ऐसा कोई रूल था ही नहीं, इसलिए रेंट ऑफ लैंडलॉर्ड इन केस ऑफ प्रोविंशियल एक्ट सारा का सारा क्या माना जाता है, अनसिक्योर्ड। उसके बाद हम लोगों ने यह भी सीखा था कि प्रेसिडेंसी एक्ट कहां लगता है, सर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और प्रोविंशियल एक्ट रेस्ट ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा, हम बोले या तो क्वेश्चन डायरेक्ट बता देगा किससे बनाना है, जिस एक्ट से वो बोलेगा उस एक्ट से बनाएंगे। सेकेंड, अगर एक्ट का नाम नहीं बताएगा तो शहर का नाम बताएगा, शहर का नाम पढ़ के पता चल जाएगा किससे बनाना, और अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम लोग हमेशा प्रोविंशियल से बनाएंगे, ये बात हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम 3 होमवर्क भी दिए थे, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, ऐसा हम मान रहे हैं कि आप बना लिए होंगे। चलिए आज हम लोग क्या सीखेंगे, लास्ट क्लास में तो हम लोग प्रिफरेंशियल और अनसिक्योर्ड का क्लासिफिकेशन करना सीखे कि अलग कैसे कर लेते हैं, हम लोग बोले हाँ उस पर 2 क्वेश्चन था लिख लिए। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे कि सर एग्जाम में जो आएगा वो क्या पूछा जाएगा। हम बोल रहे हैं एग्जाम में हमको बोला जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डिफिशियंसी अकाउंट बना के दिखलाइए। क्या है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, हम बोले कुछ नहीं, जो लायबिलिटी का नाम हम लोग सीखे उसको पेमेंट करना है और ये देखना है कि किनका किनका पेमेंट हो जाएगा। हम बोले सर फुल्ली को तो बात ही नहीं है, फुल्ली सिक्योर तो ऑफकोर्स पेमेंट हो ही जाएगा क्योंकि उनके पास तो उनके लायबिलिटी अमाउंट से अधिक का सिक्योरिटी रखा हुआ है, उसको तो चिंता करने का बात नहीं है। चिंता किसको करना है, अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड और प्रिफरेंशियल को। प्रिफरेंशियल के पेमेंट होने से पहले अनसिक्योर्ड का पेमेंट तो हो नहीं सकता है, तो सर इसका मतलब हुआ लगभग लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रिफरेंशियल का पेमेंट हो जाता है। हम बोले हाँ, और अगर ना होगा तो अगर प्रिफरेंशियल का ही पेमेंट नहीं हुआ है तो ऑफ कोर्स बाकी बचे हुए लोगों का क्या होगा। तो ये देखने के लिए कि लायबिलिटी का पेमेंट कितने दूर तक हुआ है उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसमें हम लोग लायबिलिटी लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और एसेट्स लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और एसेट्स का क्या लिखते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू, कितने में एसेट्स बिका।
जितने भी तरह का एसेट्स होता है उसको हम लोग कहां लिखते हैं, एसेट साइड में। लेकिन जो एसेट्स हम फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड को दे दिए हैं कि ये एसेट्स तुम अपने पास रखो, वो एसेट्स बिजनेस के पास नहीं होगा, क्योंकि वो कौन रियलाइज करा लेगा, फुल्ली सिक्योर्ड वाला और पार्टली सिक्योर्ड वाला। जो एसेट्स हम दे चुके हैं फुल्ली सिक्योर्ड के नाम पे, पार्टली सिक्योर्ड के नाम पे, वो एसेट्स तो लाइबिलिटी के पास है, वो खुद बेच लेगा। बाकी बचा हुआ एसेट्स जैसे कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, इन सभी को कौन बेचेगा, बिजनेस बेचेगा और रियलाइज कराएगा। हम बोले बिजनेस भी नहीं बेचता है, एक्चुअली कोर्ट किसी रिसीवर को अपॉइंट करता है, वो रिसीवर आके सब कुछ बेचता उचता है और बेच करके वो क्या करता है, क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा होता है। हम लोग उसके लिए क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमें ये मालूम चलता है कि लाइबिलिटी वालों का कितना दूर तक पेमेंट हुआ और कितना पैसा फंस गया। अब आप सोचना, मेरा लाइबिलिटी जोड़ के आ रहा है 1,00,000 रुपया, मतलब हमें कितना पैसा चाहिए सेटलमेंट करने के लिए, 1,00,000। सर 1,00,000 एसेट्स बेच के मिल जाएगा। हम बोले अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो बिजनेस बंद ही क्यों होता। मेरे पास पैसा नहीं है तभी तो हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, अगर हम सारा एसेट बेच भी देंगे तब भी 1,00,000 रुपया नहीं आने वाला। तो अगर मान लो हम सारा एसेट बेचे और बेच करके आया 80,000, बकाया 1,00,000 देना है और देने के लिए पैसा कितना अवेलेबल हुआ है, 80, सब कुछ बेच चुके हैं 80,000 अवेलेबल है। सवाल उठता है सर ये 80,000 रुपया जो अवेलेबल है, देना तो 1,00,000 है, कितना फंस जाएगा, 20,000। तो बिजनेस के पास डिफिशियंसी है, कमी है। हम बोले सर दूसरे शब्दों में सुनिएगा, देना है 1,00,000, मेरे पास तो 80 ही है, 80 से बेसी दे नहीं पाएंगे, सब कुछ बिक चुका, तो 20,000 का हमको फायदा है। किसी को 1,00,000 देना है, हम कंगाल हो गए, सब बेच दिए फिर भी उसको 80 ही दिए, पैसा है ही नहीं, तो क्या हम नहीं बोल सकते कि सर 1,00,000 वाले का सेटलमेंट 80 में करा लिए, 20,000 का प्रॉफिट है। हम बोले हाँ, लेकिन प्रॉफिट वर्ड खराब लगता है, क्यों, क्योंकि सर प्रॉफिट तो बिजनेस में होता है, यहां तो बिजनेस ही खत्म हो गया, किस बात का प्रॉफिट। और अगर हम बोलेंगे हमको प्रॉफिट हो गया है तो फिर प्रॉफिट किसको मिल जाना चाहिए, मालिक को, यहां कोई प्रॉफिट थोड़ी है, यहां सब कुछ खत्म हो गया है, तो यहां पे ना बिजनेस बचा है, बिजनेस बचेगा तब तो बोलेंगे प्रॉफिट है, तो उसका नाम क्या दिया गया, डिफिशियंसी। बात क्लियर हो रहा है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं डिफिशियंसी अकाउंट। डिफिशियंसी अकाउंट बहुत सिंपल है, एक साइड जो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड होगा वहां क्या लिखेंगे हम लोग, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैसे हो सकता है, हम बोले सर हम लोग का एसेट्स अधिक हो और लाइबिलिटी कम हो तो आपको प्रॉफिट है। हम लोग का कैपिटल, क्योंकि हम लोग कंगाल हो चुके हैं तो देना कुछ नहीं पड़ेगा बिजनेस को, तो वो कैपिटल का पैसा अब नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट। उस पर इंटरेस्ट भी अब नहीं देना पड़ेगा, प्रॉफिट। इसके अलावा जितने भी तरह का बिजनेस में प्रॉफिट है वो सब भी प्रॉफिट। हम आपको बोलना चाहते हैं कि सर लाइबिलिटी के एग्जम्पशन से, लाइबिलिटी के रिमूवल से बिजनेस को प्रॉफिट होता है और एसेट्स के रिमूवल से बिजनेस को लॉस होता है। तो डिफिशियंसी अकाउंट क्या चेक करता है, प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करता है। एक साइड में प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या रिकॉर्ड करता है, लॉसेस। लॉस कब होगा, जब आपका एसेट्स का वैल्यू कम होते चला जाएगा, जब आपका एसेट्स कम होगा तो आपको लॉस होगा। डिफिशियंसी अकाउंट इकलौता ऐसा अकाउंट है इस चैप्टर का जो आपको बताएगा आप सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, क्योंकि डिफिशियंसी अकाउंट जस्ट लाइक बैलेंस शीट मैच कर जाएगा, जितना का प्रॉफिट उतना का ही लॉस होगा और बिजनेस क्लोज हो जाएगा और वो इक्वल हो जाएगा। यहां तक का बात समझते हैं आप मेरा, कि सर दो बात सीखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कैसे बनाना है जो बहुत सिंपल है, फिर हम लोग को सीखना है डिफिशियंसी अकाउंट कैसे बनाना है, वो भी काफी सिंपल है। हम दोनों चीजों का फॉर्मेट कहां बनाए हैं, बोर्ड पे, अभी हम स्क्रीन से हटेंगे, बोर्ड आपको दिखेगा, सारा बात को आपको अपने कॉपी पे लिख लेना है, पॉज करके अपना वीडियो को सारा बात लिखना है। उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हाँ सर पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डिस्कस कीजिएगा, फिर क्या डिस्कस करेंगे, डिफिशियंसी अकाउंट, कुछ नोट लिखवाना होगा हमको तो वो नोट भी लिखवाएंगे। चलिए लिखिए, आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले क्या सीखना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ये स्टेटमेंट क्या बताएगा, ये स्टेटमेंट बताएगा कितना लाइबिलिटी है और
एसेट्स कितने रुपए का रियलाइज हुआ, लाइबिलिटी और एसेट्स इन दोनों का डिफरेंस। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप पाएंगे कि सर लाइबिलिटी का अमाउंट अधिक आएगा और एसेट्स का अमाउंट कम आएगा और ऑटोमेटिक एक डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच। सर ऐसा क्यों? क्योंकि एसेट्स जो हम लोग बैलेंस शीट में लिखे होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन, उसमें रिडक्शन आ जाता है। हम लोग जिस वैल्यू पे रखे हैं उस वैल्यू पे नहीं बिकता है। आप भी जानते हैं कि हाँ सर, जब आपका समय अच्छा होता है और आप जब किसी चीज को बेचना नहीं चाहते हैं तो चीजें उस समय वही चीजें महंगी दिखती हैं, लेकिन जैसे ही आपको जरूरत है और आप बेचना चले जाओ और लोगों को ये मालूम चल जाए कि इसका मजबूरी है बेचना, तो फिर वो दाम बहुत ही रिड्यूस करके बोलते हैं। आप भी देखे होंगे रियल लाइफ में कि हाँ सर, जब हमको जरूरत पड़ रहा है, हमको सबको पता चल चुका है कि इसको पैसा चाहिए, अब ये बेचेगा, तो वही प्रॉपर्टी जो हम पहले बेचते तो हमको अधिक पैसा मिलता, अब वो लोगों को पता है कि इसको इमरजेंसी है, ये अब सस्ता में बेच देगा, तो लोग क्या करते हैं, कम पैसा देते हैं उसी चीज का। सेम बात जब हम इंसॉल्वेंट होंगे, इंसॉल्वेंसी चलेगा, दुनिया को जाहिर हो चुका होगा हम कंगाल हैं और अब हमको सब कुछ बेचा जाएगा, तो ऑफ कोर्स जब बेचने जाएंगे तो जो कीमत होगा वो थोड़ी मिलेगा, उससे कुछ कम मिलेगा, तो एसेट्स ऑफ कोर्स कम में बिकेंगे, लायबिलिटी ज्यादा होगा। तो लायबिलिटी ज्यादा होगा, एसेट्स कम होगा, तो क्या सारा लायबिलिटी पेड आउट होगा? हम बोले नहीं, सारा लायबिलिटी का पेमेंट हो ही नहीं सकता है फिर। तो जो लोगों का पेमेंट नहीं होगा, जो लायबिलिटी पेड नहीं हो पाएगा, उनका क्या होगा? हम बोले सर उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उन्हीं को बोलते हैं डिफिशियंसी, कि उनको लॉस होगा। अगर उनको लॉस होगा तो मेरे लिए वही क्या बनेगा, प्रॉफिट, लेकिन उसको प्रॉफिट ना बोल करके क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी। बात समझ में आता है मेरा? आइए लायबिलिटी, जैसे हम वो फॉर्मेट देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिस दिन का होगा उस दिन का बनाएंगे। ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब कितने रुपए का लायबिलिटी है वो लिखेंगे, एक्चुअल में मेरे बुक्स में कितने का लायबिलिटी है। उसके बाद लायबिलिटी का नाम, क्या नाम था? हम बोले चार, अनसिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, वही नाम लिखे हैं। एक लिस्ट दिया गया, लिस्ट ए के अंदर ये है, लिस्ट बी के अंदर ये है, लिस्ट सी के अंदर ये है, लिस्ट डी के अंदर ये है। लिस्ट ए में किसको रखा गया? अनसिक्योर्ड, मतलब अगर कोर्ट को ये जानना है कौन कौन अनसिक्योर्ड है तो उसके लिए एक लिस्ट बना दिया गया कि लिस्ट ए में जाकर पढ़ लीजिए, ये सारे लोग अनसिक्योर्ड है। तो लिस्ट ए में क्या लिखते हैं हम लोग? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसका ग्रॉस मतलब कितना बकाया था, एक्सपेक्टेड टू रैंक कितना वो मांगेगा। सर वो सारा मांगेगा? हम बोले ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार जो लायबिलिटीज होते हैं वो काफी दयालु और भावुक होते हैं, जब उनको मालूम चलता है कि हाँ बेचारे का दिन खराब चल रहा है तो वो खुद ही कुछ पैसा रिलीफ के तौर पे छोड़ देते हैं कि चलो यार तुमसे 10,000 लेना था, तुम हमको 9,500 दे दो, 500 रुपए हम छोड़ देते हैं। तो हम बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड टू रैंक में क्या जाएगा, जो हमको पे आउट करना है वो, ग्रॉस में क्या जाएगा, जो उसका एक्चुअल बकाया चल रहा था। यहां तक का बात समझ में आता है? नंबर टू क्या था? फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो कहां मिलेगा? लिस्ट बी में। किसी को देखना हो कौन कौन फुल्ली सिक्योर्ड है, लिस्ट बी जगह पढ़ लेगा वहां मिल जाएगा। तो फुल्ली सिक्योर्ड वाला तो मगन है, वो तो खुश है, बोला कोई बात नहीं, मेरा बकाया और मेरा सिक्योरिटी जो बिका हमेशा क्या निकलेगा, सरप्लस, सरप्लस पैसा रखे रहेंगे। फुल्ली सिक्योर्ड वाला जो होता है उसके पास क्या है, उसका लायबिलिटी का पैसा और सिक्योरिटी उसके पास लायबिलिटी से अधिक का है, तो वो क्या करता है, सिक्योरिटी बेचता है, अपना पैसा काट लेता है और बाकी का पैसा वो बिजनेस को लौटा देता है। वो बोलता पकड़ो अपना सरप्लस पैसा, हम अपना पैसा ले चुके हैं, तो जो सरप्लस है वो मेरा एसेट्स वाले अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्योंकि एसेट्स बेच के पैसा आएगा तो हम बोलेंगे ये सरप्लस भी उसी अकाउंट में डाल दो ताकि बांटने में आसानी हो। फिर कौन आएगा? पार्टली सिक्योर्ड एज पर लिस्ट सी। पार्टली सिक्योर्ड कौन होता है? सर वैसे लोग को पार्टली सिक्योर्ड बोला जाता है जिनका लायबिलिटी का अमाउंट ज्यादा हो और सिक्योरिटी का अमाउंट कम हो। तो लायबिलिटी अधिक हो, सिक्योरिटी कम हो, तो उसका पैसा बचेगा, उसको और लेना है तो पैसा बाहर। अनसिक्योर्ड का पैसा बाहर, पार्टली सिक्योर्ड का पैसा बाहर। क्या पार्टली सिक्योर्ड जो सिक्योरिटी से काटने के बाद पैसा उसका बचता है वो भी अपने आप में एक अनसिक्योर्ड है? हम बोले हाँ वो भी अनसिक्योर्ड है, तभी तो अनसिक्योर्ड आगे जुड़ जाएगा। और चौथा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर एज पर लिस्ट डी, हम लोग जानते हैं कौन है। क्या इन सब के लिए अलग से एक वर्किंग करना पड़ेगा, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी हम लोग को दिखाना पड़ेगा? हम बोले हाँ, लिस्ट ए, बी, सी, डी ये चार लिस्ट हम लोग बनाएंगे अलग से, फिर उसका जो फाइनल पैसा निकलेगा वो एक्सपेक्टेड टू रैंक और ग्रॉस वाला ग्रॉस में जाएगा और ये अपने आप भर जाएगा, जोड़ के लिख देंगे। अब तुम नोटिस किए होगे
कि सर अनसिक्योर्ड वाला का पैसा बाहर, पार्टली वाला का पैसा बाहर, फुल्ली के साथ तो दिक्कत है ही नहीं, उसका तो बकाया बचेगा ही नहीं, वो तो रिकवर कर चुका होगा, लेकिन सर ये प्रिफरेंशियल वालों को बाहर क्यों नहीं किया? हम बोले समझो, अगर हम प्रिफरेंशियल वालों का पैसा बाहर लिख देंगे तो फिर तो वो भी टोटल के अंदर अनसिक्योर्ड में जुड़ जाएगा, जबकि प्रिफरेंशियल को राइट क्या है? प्रिफरेंशियल को राइट है कि अनसिक्योर्ड को पेमेंट हो उससे पहले उसका पेमेंट हो। और हम फिर से याद दिला रहे हैं, पार्टली सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड जो होता है उसका जो पैसा बचता है सिक्योरिटी काटने के बाद वो भी अनसिक्योर्ड बन जाता है, क्योंकि उनके पास वो सिक्योरिटी और बचा ही नहीं है, तो वो भी इनके साथ आके लाइन में खड़ा होता है। लेकिन प्रिफरेंशियल बोलता है कि अगर हम इनके साथ खड़ा रहेंगे तब तो मेरा पैसा ही फंसेगा, जबकि इनको पेमेंट स्टार्ट कब होगा? अनसिक्योर्ड को पेमेंट तब स्टार्ट होगा जब प्रिफरेंशियल वालों का पेमेंट पूरा हो जाए, उसके बाद ही अनसिक्योर्ड को पेमेंट होता है। इसीलिए हम लोग क्या किए कि प्रिफरेंशियल वालों का पैसा अंदर लिखे, बाहर नहीं किए, क्योंकि बाहर करने से वो अनसिक्योर्ड में इंक्लूड हो जाएगा, और अगर एक बार वो इंक्लूड कर जाएगा तो फिर तो पहचानेंगे कैसे कौन प्रिफरेंशियल है कौन अनसिक्योर्ड है, इसीलिए उसको अंदर रखा गया। और इनको अंदर क्यों रखा गया कि जब एसेट्स बेच के पैसा निकलेगा तो उन पैसों में ये सरप्लस जोड़ेंगे तो मेरा एसेट्स का अमाउंट, रियलाइजेशन अमाउंट बढ़ जाएगा, और फिर इनको पेमेंट पहले कर देंगे। जब इनको हम उस एसेट्स के अमाउंट से पे कर देंगे एक शॉर्टकट गली से, तो फिर बचा हुआ पैसा, इनका तो पेमेंट हो गया, बचा हुआ पैसा किसको मिलना चाहिए? हम बोले सर अनसिक्योर्ड को। तब अनसिक्योर्ड और बचा हुआ पैसा में जो डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं? डिफिशियंसी। मेरे हिसाब से आपका लाइबिलिटी साइड एकदम क्लियर है कि हाँ सर ये है हम लोग का लाइबिलिटी साइड, जिसमें अनसिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड और प्रेफरेंशियल को लिखा जाता है। प्रेफरेंशियल का पैसा बाहर नहीं करते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड का तो बात ही नहीं उठता है, क्योंकि वो तो हमेशा सिक्योर है, उसका पैसा बाहर क्यों आएगा, वो तो ले चुका पैसा। ग्रॉस लाइबिलिटी में जो उसका बुक वैल्यू रहता है लाइबिलिटी का वो लिखते हैं, एक्सपेक्टेड टू रैंक में जो उसको देना पड़ेगा वो लिखते हैं। अब आते हैं एसेट साइड में। लाइबिलिटी हो चुका, ये लोग लेनदार, बोले भाई पैसा दो पैसा दो। एसेट साइड में सबसे पहले क्या होगा? प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई, जो एसेट्स है वो हम बेचना शुरू कर देंगे। तो मेरे पास जो भी एसेट्स है, कैश बैंक, कैश बैंक बेचा थोड़ी जाता है, कैश बैंक तो रियलाइज्ड है, तो कैश बैंक का पैसा जितना बुक वैल्यू रहेगा उतना ही आपका एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस में आएगा कि इतना पैसा मिल जाएगा। उसके बाद स्टॉक, फिक्स एसेट्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी एसेट्स रहेगा वो सारा एसेट्स यहां लिखा जाएगा लिस्ट ई के अंदर। लेकिन इस लिस्ट ई में डेटर का बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से लिस्ट एफ है मेरे पास। इसका मतलब हुआ कि सर डेटर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा एसेट्स आप यहां डालेंगे, उसका बुक वैल्यू इनर कॉलम में, और उसके बाद जितने में वो बिकेगा वो आउटर कॉलम में लिखेंगे। हम बोले हाँ। तो जो प्लस का साइन दिख रहा है वो क्या बता रहा है? कि इतने में बिका, और जो इधर अंदर दिख रहा है वो बुक वैल्यू बता रहा है। हम बोले बिल्कुल। अब जो एसेट्स हम लोग फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड को दे चुके हैं वो तो ये दोनों बेच चुका होगा, क्या वो एसेट्स इसके अंदर आएगा? हम बोले वो कैसे आएगा, जब वो एसेट्स ये दोनों बिक चुका तो दोबारा हम कैसे बेच सकते हैं उसको? इसका मतलब हुआ कि सर लिस्ट ई में वो एसेट्स आता है जो बिजनेस के पास हो, जिसको वो बेचे। जो हम फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड को दे चुके हैं वो थोड़ी मेरे पास आएगा, वो कैसे लिस्ट ई के अंदर आएगा? वो तो ये बेच चुका, तो जो चीज ये बेच चुका वो दोबारा हम कैसे बेचेंगे? बात समझ में आता है मेरा? और एकदम लॉजिकल भी है कि हम तुमको अपना पेन दे दिए हैं, अगर तुम मेरा पेन बेच दिया है तो अपना पेन हम फिर से कैसे बेच सकते हैं? तो जो भी एसेट्स फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड को दे चुके होंगे वो किसके अंदर नहीं आएगा? लिस्ट ई के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ये लोग बेच चुका होगा। बात ठीक। बुक डेट एज पर लिस्ट एफ, इसमें क्या आता है? डेटर। जैसा हम लोग जानते हैं डेटर का क्लासिफिकेशन होता है गुड, डाउटफुल, बैड। गुड का मतलब ऐसे डेटर्स जिनसे हमको सब पैसा मिल जाएगा वो गुड होते हैं, डाउटफुल ऐसे डेटर्स जिनसे मेरा जितना बाकी होता है उससे उतना मिलने का संभावना नहीं होता है। बाकी है 1000 रुपया, हो सकता है 200 रुपया डूब जाए, 800 मिले, उसको बोलते हैं डाउटफुल। और बैड जिनसे हमको 1 भी रुपया नहीं मिलता है। तो देखो गुड जितना बकाया पूरा मिल गया, डाउटफुल जितना बकाया उससे कम मिला, और बैड जितना बकाया कुछ नहीं मिला उसको बोलते हैं बैड। तो यहां पर हम क्या लगा देते हैं? क्रॉस का साइन कि सर बैड से कुछ नहीं मिलेगा,
उसके बाद लिस्ट जी ए बी सी डी ई एफ, ई में क्या था प्रॉपर्टी, एफ में क्या है डेटा, जिसको हम लोग बुक डेप्थ भी बोलते हैं। लिस्ट जी में क्या आएगा, हम बोले सर लिस्ट जी में आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको आप बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, वो किस लिस्ट के अंदर आएगा, वो आएगा हम लोग का लिस्ट जी के अंदर। तो इसका मतलब हुआ सर डेटर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिस्ट ई के अंदर नहीं आएगा, हम बोले नहीं, उनके लिए अलग से लिस्ट बनाया गया लिस्ट एफ लिस्ट जी। तो जिसके लिए अलग से लिस्ट बनाया है वो ई में नहीं आएगा, वो प्रॉपर्टी वाले लिस्ट के अंदर नहीं आ सकता। तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर जो है वो उसके लिए लिस्ट एफ लिस्ट जी बना के रखा गया है, जो उनका रियलाइजेबल वैल्यू होगा वो लिख लेंगे कितना है बिका। ये हुआ हम लोग का एसेट्स खत्म, कि सर सारा एसेट्स खत्म, उसका प्लस लगा लेंगे। तो ये निकला इतने में एसेट्स बिका, मेरे पास अगर कोई सरप्लस था जो फुल्ली सिक्योर्ड वाला पैसा काट के हमको लौटाया था, तो इतना सारा पैसा एसेट्स बेच के आया, तो ये वाला जो पैसा हमको सरप्लस का बचा है वो भी जोड़ लेंगे। हम बोलेंगे इतना एसेट बेच के आया प्लस कुछ सरप्लस भी आया है वहां से, जोड़ लिए मेरा अमाउंट बन गया। अब हम पैसा लेके खड़े हैं, सबसे पहले फुल्ली का तो बात हो चुका, हम बोले सर अब आप सबसे पहले किसको पेमेंट कीजिएगा, प्रिफरेंशियल को, क्योंकि अनसिक्योर्ड को पेमेंट तब होगा जब प्रिफरेंशियल को पेमेंट हो जाएगा। तो जो लिस्ट डी में प्रिफरेंशियल था उसका पेमेंट कर दिए, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर डी वाला, यहां का पैसा इससे माइनस करा लेंगे। तो जितना रुपया कलेक्ट हुआ उसमें से प्रिफरेंशियल अपना पैसा ले लिया, अब जो बचा, अब ये जो बचा है वो किसको मिल जाएगा, अनसिक्योर्ड को। सर अनसिक्योर्ड का पैसा टोटल किए हुए कि सर यही बकाया है, और आप पाओगे कि हाँ सर अनसिक्योर्ड का पैसा हमेशा ज्यादा होता है, जबकि जो अमाउंट रिमेनिंग बचा है आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रिफरेंशियल क्रेडिटर वो कम है। वो क्या हो जाएगा डिफरेंस दोनों के बीच का, हम बोले सर जो डिफरेंस है बैलेंसिंग फिगर वो क्या बोला जाएगा, डिफिशियंसी, प्रॉफिट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सर बिजनेस बंद हो चुका है, प्लस किसी का पैसा नहीं दे रहे हैं वो प्रॉफिट थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ इस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं, वो क्या है डिफिशियंसी, मेरे अंदर कमी है, बिजनेस में कमी आया है और लायबिलिटी का पैसा डूब गया। यहां तक का बात समझ में आता है, ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट जो हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन किए। इसके बाद हम लोगों को क्या बनाने बोला जाएगा, डिफिशियंसी अकाउंट बना के दिखलाइए कि डिफिशियंसी अकाउंट कैसे बनेगा। तो डिफिशियंसी अकाउंट बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, आप फॉर्मेट लिख चुके हैं, ये बात जो हम लिख रहे हैं वो लिखिएगा मत, इस साइड में जो राइट हैंड साइड है उसमें लॉस को रिकॉर्ड करते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे प्रॉफिट को रिकॉर्ड करते हैं। हम पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि हाँ सर ये सब प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी दैट इज कैपिटल, कैपिटल भी ऐसे ही निकलता है, याद कीजिए 11, बहुत सारा एंट्री हम लोग ऐसे किए कि सर एसेट्स को डेबिट करते हैं लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, एसेट 100 रुपया लाइबिलिटी 30 रुपया, दोनों में जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस इनसॉल्वेंट, बिजनेस के पास कुछ नहीं है, क्या कैपिटल एक तरह का लाइबिलिटी है, हम बोले हाँ, और मेरे पास अब पैसा नहीं है, बिजनेस बोल रहा है दोस्त मालिक सब कुछ खत्म, क्योंकि अनसिक्योर्ड को ही पेमेंट नहीं हुआ है, तो कैपिटल का जो बकाया था वो हम नहीं देंगे, खत्म हो चुका है। तो क्या मन ही मन आपको नहीं लग रहा है कि हाँ सर लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करेंगे तो मेरे लिए तो प्रॉफिट ही है, हालांकि प्रॉफिट बोलेंगे नहीं, लेकिन समझने का पॉइंट तो यही है कि सर बिजनेस नहीं दे रहा है लाइबिलिटी का पेमेंट, प्रॉफिट, हम बोले हाँ तो सर प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मालिक के कैपिटल पे इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस का प्रॉफिट है सर वो तो प्रॉफिट ही है। एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी, मेरा प्राइवेट एसेट जो मालिक है उसका, क्योंकि बिजनेस और मालिक तो प्रोप्राइटरशिप में सेम चीज होते हैं, तो हम बोल रहे हैं सर मेरे प्राइवेट एसेट्स, बिजनेस जब इंसॉल्वेंट होगा तो प्राइवेट भी खत्म हो जाएगा, आपका घर द्वार सब बिकेगा, ऐसा मत समझिए कि दुकान का अगर झमेला है दुकान ही समझेगा, घर भी समझेगा फिर। तो हम बोले सर मेरा प्राइवेट एसेट्स और मेरा प्राइवेट लाइबिलिटी, जैसे मेरे पास घर है 10 लाख और उस पर मेरा प्राइवेट लाइबिलिटी, उसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, मेरा प्राइवेट लाइबिलिटी है 2 लाख का, तो हम बोले सर 10 लाख का घर 2 लाख का प्राइवेट लाइबिलिटी, 8 लाख का फायदा, 8 लाख का फायदा दिखलाइए। उसके बाद प्रॉफिट ऑन एसेट्स, प्रॉफिट ऑन एसेट्स मतलब
एसेट मेरा महंगा बिका, इंसॉल्वेंसी कर रहे हैं तो महंगा क्या नहीं बिक सकता, बिक सकता है, सस्ता ही बिक सकता है, महंगा ही बिक सकता है। अगर एसेट्स मेरा महंगा बिका, 1 लाख का एसेट्स 1,50,000 में बिका, तो जब हम यहां पे लिखे होंगे तो 1 लाख यहां 1.5 लाख, फायदा कितने का हुआ 50,000, तो प्रॉफिट ऑन एसेट्स, वही लॉस होगा तो सर लॉस साइड में लिख दीजिएगा। सैलरी और रेमुनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटर है मालिक है उसको जो सैलरी और रेमुनरेशन देना था अब नहीं देंगे, हम बोलेंगे भूल जाओ पैसा को, लिख देंगे प्रॉफिट इन स्पेकुलेशन एंड बेटिंग, बोल रहा है सट्टाबाजी से जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को वो भी दे दीजिए प्रॉफिट। एग्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी, किसी लाइबिलिटी से छूट मिल गया है हमको, वो बोला नहीं लेंगे, फायदा। और डिफिशियंसी यहां पे जो आया था, क्या ये डिफिशियंसी भी एक तरह का फायदा, हम बोले हाँ, बकाया बेची चुकाना कम तो फायदा तो होना ही है, हालांकि फायदा बोलेंगे नहीं डिफिशियंसी। इस साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे, लॉस एक्सेस ऑफ लाइबिलिटी ओवर एसेट, मेरा लाइबिलिटी अधिक है एसेट्स कम है तो आपको लॉस है, लिख दीजिए। लॉस फ्रॉम बिजनेस, अगर बिजनेस से कोई लॉस हो वो लिख दीजिए। ड्रॉइंग, क्या ड्रॉइंग का मतलब होता है कि मालिक बिजनेस से पैसा निकाला है, हम बोले हाँ, अब मालिक देगा नहीं, क्यों, मालिक का पैसा ही नहीं है तो सर आपको तो लॉस हो जाएगा, बिजनेस को लॉस, ड्रॉइंग। एक्सेस ऑफ प्राइवेट लाइबिलिटी ओवर प्राइवेट एसेट्स, मेरा प्राइवेट लाइबिलिटी ज्यादा है क्योंकि अब सब कुछ बिक चुका है, तो मेरा प्राइवेट घर जमीन जायदाद और मेरा प्राइवेट लाइबिलिटी जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है अब वो भी कभी खत्म कराएंगे, तो हम बोले मेरा लाइबिलिटी अधिक है एसेट्स कम है, तो हम बोले सर प्राइवेट लाइबिलिटी अधिक है प्राइवेट एसेट्स कम है तो ऑफकोर्स आपको लॉस है, जितना का लॉस है वो लिख दीजिए। जैसे लोन है मेरा, बैंक से हम लोन लिए 10 लाख का और मेरा घर है सिर्फ 8 ही लाख का, कितने का लॉस है 2 लाख का, लेकिन ये लॉस बिजनेस का नहीं है, किसका है, प्राइवेट का है। बोले सर जब इंसॉल्वेंट होइएगा तो बिजनेस भी बंद होगा, घर भी बंद होगा, सब कुछ बंद होगा, तो वो भी उठा के लिखिए, तो लॉस लिख दिए। स्पेकुलेशन लॉस, सट्टाबाजी से लॉस हुआ वो लिखिए। बैड डेट, जो पैसा डूब गया उसको लिखिए। लॉस इन एसेट्स रियलाइजेशन, जब एसेट्स को आप बेचते हैं तो उसके रियलाइजेशन में जो लॉस होता है वो भी लिखेंगे। कोई नया लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी सर नया है तो वो भी लॉस है। ट्रेड एक्सपेंस, कोई खर्चा करना पड़ा है इस इंसॉल्वेंसी में वो भी एक लॉस है। एक्सपेंसेस नॉट अकाउंटेड, पहले जो खर्चा हुआ उसको आप लिखना भूल गए, मतलब सर वो भी लिखिए, लॉस होगा आपके लिए, बात ठीक। और अगर सही बनाएंगे तो ये अपने आप क्या कर जाना चाहिए, मैच। यही चेक करने का तरीका होता है कि सही बनाए हैं कि गलत बनाए। चलिए इस बात को लिखिए, आगे बढ़ेंगे। आइए इस नोट को लिखिए, नोट क्या लिखे, वही बात जो समझाए हैं कि जो एसेट्स हम लोग फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड को दे देंगे वो प्रॉपर्टी के लिस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि वो दे चुके हैं, वो खुद बेच लेगा। तो वहां लिखे हैं अमाउंट ऑफ एसेट्स गिवन टू फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर और पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ई ऑफ प्रॉपर्टी। जो एसेट्स, जितने अमाउंट का एसेट, थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं इस बात को, सुनिएगा। मेरे पास एक एसेट्स है 10,000 का और वो कितने में बिक सकता है, 10,000 में बिक सकता है। हम उसमें से 8,000 का एसेट्स फुल्ली सिक्योर्ड या पार्टली सिक्योर्ड किसी को भी दे दिए, पूरा 10 का नहीं दिए, कितने का दिए 8। तो जितने अमाउंट का हम दिए हैं उतने अमाउंट का एसेट्स लिस्ट ई में नहीं आएगा, बाकी तो आएगा। 10,000 का हम पूरा नहीं दिए, अमाउंट कितना है 10, बिकेगा भी कितना में, हम बोले 10 में ही बिकेगा। हम बोल रहे हैं कि फुल्ली सिक्योर्ड को सिर्फ 8 तक दिए तो बाकी का 2, हम बोले सर बाकी का 2 हम उसको नहीं दिए तो बाकी का 2 कहां पे आ जाएगा, प्रॉपर्टी में, लिस्ट में ई में आ जाएगा। तो लिस्ट ई के अंदर वो अमाउंट ऑफ एसेट्स आते हैं जो हम लोग लिस्ट बी, जिसको बोलते हैं फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, या लिस्ट सी पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर को नहीं दिए होते। जो अमाउंट ऑफ एसेट्स फुल्ली और पार्टली क्रेडिटर को दे चुके होते हैं वो अमाउंट नहीं आ सकता है प्रॉपर्टी में, बाकी सारा अमाउंट तो आएगा ही आएगा। बात समझते हैं मेरा बात, इस बात को आप लिख लीजिए और अमाउंट को इसलिए अंडरलाइन भी किए हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा 10,000 का कोई एसेट्स है, उसमें सिर्फ 8,000 का एसेट्स हम फुल्ली सिक्योर्ड को दिए, तो ये मत समझिएगा कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्वेश्चन में कुछ भी पॉसिबल है, आप क्वेश्चन को चैलेंज मत कीजिए कि सर ऐसे कैसे 8,000 का सिक्योरिटी 2,000 का सिक्योरिटी नहीं है, या तो पूरा है या तो पूरा नहीं है। हम बोले प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है, क्वेश्चन में जो बोलेगा मान लेंगे,
कि हाँ भाई 8,000 तक का जो है वो क्या माना जाएगा, हम बोले सर वो तो फुल्ली सिक्योर्ड वाला समझ लेगा, बाकी का 2 कहाँ चला जाएगा, प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि वहां वो बिकेगा। फिर वो दोनों का अलग अलग रियलाइजेशन वैल्यू भी बताएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा इस बात, बात समझते हैं पेरा। तो ये हुआ ये नोट, इस नोट को लिखिए, फिर हम लोग अपने बुक पे आएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आइए कुछ नोट और लिखेंगे, जैसे अभी हम लोग एक नोट लिखे, नोट नंबर 2, लोन फ्रॉम वाइफ पब्लिक हस्बैंड, पहले वाइफ के लिए समझेंगे, उसी तरह हस्बैंड के लिए भी होगा। हम बोल रहे हैं कि एक पर्सन है जो मैरिड है, वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपनी वाइफ से लोन लेता है बिजनेस के अंदर, वो खुद से ना दे, किससे लेता है, वाइफ से। तो जब वाइफ से लोन लेता है बिजनेस में देने के लिए, तो सवाल उठता है वाइफ से जो लोन मिला है वो सोर्स ऑफ अर्निंग वाइफ का क्या है। अगर जो लोन वाइफ से हम ले रहे हैं, अगर वो लोन वाइफ सेल्फ अर्निंग करके हमको दी है, तब तो वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, जैसे बाकी सारा लाइबिलिटी का पेमेंट होता है वैसे उसका ही पेमेंट होगा। लेकिन अगर उसका कोई सेल्फ अर्निंग है ही नहीं, वो हाउस वाइफ है, कुछ कमाती नहीं है, हम उसको पैसा दिए और हम बोले कि तुम उसको लोन बोल के बिजनेस में दे देना, तो वैसे केस में जो लोन वाइफ से मिलेगा उसको लाइबिलिटी नहीं मान के कैपिटल की तरह मानेंगे, क्योंकि ये माना जाएगा कि सर जो वाइफ से लोन मिला है, क्योंकि वाइफ तो कुछ अर्निंग करती ही नहीं है, उसको हस्बैंड से ही पैसा मिला और वही पैसा वापस वो दे दी। तो 2 केस पढ़ाए हम लोग, क्या कि वाइफ से अगर लोन मिलता है तो ये देखना होगा वो उसके स्त्री धन, उस समय लिखा जाएगा उसके स्त्री धन या सेल्फ अर्निंग से वो लोन दी है, तब तो वो एक लाइबिलिटी है, लिस्ट ए के अंदर वो आएगा। लेकिन अगर वो कोई अर्निंग नहीं है, कोई स्त्री धन से वो पैसा नहीं दी है, तो उस केस में हम लोग क्या मानेंगे कि वो जो लोन है वो लोन नहीं है, वो जस्ट लाइक कैपिटल है, तो वो फिर डिफिशियंसी अकाउंट के किस साइड आएगा, हम बोले सर लेफ्ट हैंड साइड आएगा। वही बात यहां लिखे, इफ लोन फ्रॉम वाइफ इज गिवेन आउट ऑफ स्त्री धन, स्त्री धन का मतलब सेल्फ अर्निंग, जो वाइफ है वो भी अपना अर्निंग करती है उससे लोन दी है, इट इज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ लिस्ट ए, तब तो वो जस्ट लाइक जैसे बाकी अनसिक्योर्ड है वैसे वो भी अनसिक्योर्ड एक लाइबिलिटी है। लेकिन इफ लोन फ्रॉम वाइफ इज गिवेन आउट ऑफ हस्बैंड अर्निंग, जो उसका पति है उसके अर्निंग से वो लोन बिजनेस में दी है, इट इज नॉट लाइबिलिटी, वो कोई लाइबिलिटी नहीं है, इट इज लाइक ए कैपिटल एंड कम्स अंडर डेफिशिएंसी अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड, जिस साइड प्रॉफिट आता है उसी साइड आएगा। नोट नंबर 3, स्पेकुलेशन, सट्टाबाजी, हमारे देश में सट्टा लगाना आज भी इनलीगल है, आप लीगली सट्टा नहीं लगा सकते, तो स्पेकुलेशन इज इनलीगल इन इंडिया, क्योंकि स्पेकुलेशन एक इनलीगल बिजनेस है इंडिया में, तो हम बोल रहे हैं सर इससे अराइज होने वाला लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इनलीगल है, जब बिजनेस ही इनलीगल है तो उसका लाइबिलिटी, हम किसी से सट्टा का बिजनेस सट्टा लगाए, हम बोले 500 लगा देना, तो हमको उसको 500 देना पड़ेगा ना, हम हार गए तो वो हमसे 500 लेने आएगा, तो हम बोले सर लाइबिलिटी बन गया, तो हम बोले वो स्पेकुलेशन का लाइबिलिटी है, स्पेकुलेशन लाइबिलिटी हमारे देश में क्या है, इनलीगल, तो सर स्पेकुलेशन लाइबिलिटी क्योंकि इनलीगल है तो वो स्पेकुलेशन का लाइबिलिटी नहीं आएगा, हम बोले हाँ, Hence not included in list A of unsecured credit. बात समझ में आता है मेरा कि सर लोन के ऊपर बात कर लिए हैं कि वाइफ का लोन पे क्या करना है और स्पेकुलेशन पे ही बात कर ली है, हम बोले हाँ, लेकिन स्पेकुलेशन पे होने वाला प्रॉफिट लॉस, हम बोले हाँ, जो प्रॉफिट लॉस आता है वो डिफिशियंसी में आप लिखे, प्रॉफिट को प्रॉफिट साइड में और लॉस को लॉस के साइड में, प्रॉफिट कहां लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लॉस कहां लिखते हैं राइट हैंड साइड, बात समझ रहे हैं, इस नोट को नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करें, लास्ट क्लास में 2 तक बना चुके थे। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द वेरियस लिस्ट ऑफ लाइबिलिटी साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एन इनसॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंसी टाउन इनसॉल्वेंसी एक्ट एंड प्रोविंशियल इनसॉल्वेंसी एक्ट। बोल रहा है जो लाइबिलिटी है जो वेरियस लिस्ट के अंदर आता है, मतलब लिस्ट ए लिस्ट बी लिस्ट सी लिस्ट डी, बोल रहा है उसको बना के दिखलाइए कि कैसे दिखलाएंगे, मतलब वो आपको सिर्फ ये वाला बात पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पूरा बनाने नहीं बोला, वो क्या बोला है कि लाइबिलिटी को जो लिस्ट
में आते हैं उनको क्लासीफाई करके दिखाई, मतलब लिस्ट ए, फिर लिस्ट बी, फिर लिस्ट सी और फिर लिस्ट डी, दोनों एक्ट के अंदर, प्रेसिडेंसी के भी अंदर और प्रोविंशियल के भी अंदर। हम बोले ठीक, आओ पढ़ लेते हैं। लोन फ्रॉम ए सिक्योर्ड बाय मशीन 40,000, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीन इज 30,000, बुक वैल्यू 60,000। बोल रहा है लोन लिए हैं ए से और उसको कितने का लोन लिए हैं, 40,000 का, बदले में क्या दिए हैं, मशीन उसको सिक्योरिटी के रूप में। अब ये देखना ये फुल्ली है कि पार्टली सिक्योर्ड है। बोल रहा है वो मशीन बिकेगा 30 में, लोन लिए हैं कितने का, हम बोले सर 40 का, और जो सिक्योरिटी दिए हैं वो कितने में बिकेगा, 30 में, तो ये क्या है, हम बोले सर पार्टली सिक्योर्ड है, फुल्ली सिक्योर्ड नहीं है। फिर लिखा है जिस मशीन को रियलाइजेशन वैल्यू 30 दिया हुआ है उसका बुक में कीमत कितना है, 60, मतलब 60 वाला मशीन कितना में बिका है, 30,000 में। क्या ये मशीन लिस्ट ई में आएगा, हम बोले ना प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि आप मशीन किसको देके रखे हुए हैं, पार्टली सिक्योर्ड वाले को देके रखे। और कैसे मालूम चला पार्टली सिक्योर्ड है, सर लाइबिलिटी का अमाउंट है 40, सिक्योरिटी का अमाउंट है 30, तो ये फुल्ली थोड़ी सिक्योर्ड है, ये पार्टली सिक्योर्ड है। हम बोले हाँ। नंबर टू, लोन फ्रॉम बी सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी 32,000, द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 40,000। बोल रहा है हम एक बी से लोन लिए हैं, बदले में उसको भी क्या दिए हुए हैं, सिक्योरिटी, किस चीज का, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का। लोन कितने का है, 32, और लीज होल्ड प्रॉपर्टी कितने में रियलाइज हो रहा है, 40। लोन है 32 का, लाइबिलिटी 32, सिक्योरिटी बिक रहा है 40, तो सर सिक्योरिटी अधिक है, तो ये कौन सा लाइबिलिटी बन गया, सर ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया, लिस्ट बी में जाएगा। हम बोले गुड। सर वहां पे क्या लिखा था, फर्स्ट चार्ज ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, इसका मतलब होता है कि जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें हम पहला अधिकार दिए हैं बी को, और फिर इसी प्रॉपर्टी को किसी और को भी दे दिए, लेकिन उसको बोल दिए कि पहले उससे बी पैसा वसूलेगा, उस प्रॉपर्टी में अगर कुछ बच जाएगा तब तुम वसूल कर लेना। तो ये प्रॉपर्टी कितना है बी का, 40, बी अपना कितना ले लिया, 32, 8,000 अभी भी उस प्रॉपर्टी में है, तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को किसी और को दिए होंगे तो वो आएगा अपना 8,000 रुपया में से अपना हिस्सा लेने के लिए। आइए आगे पढ़े। पॉइंट नंबर थ्री, लोन फ्रॉम सी सिक्योर्ड बाय सेकेंड चार्ज ऑन द एवर प्रॉपर्टी 6,000। बोल रहा है सी से लोन लिए हैं 6,000 का और उसको हम सेकेंड चार्ज दिए हैं प्रॉपर्टी का। जो प्रॉपर्टी 40 में बिका, क्या बी उसमें 32 ले लिया होगा, हम बोले ऑफ कोर्स। क्या उस प्रॉपर्टी में अभी भी 8,000 होगा, हाँ। लोन कितने का है सी का, 6। अब वो लेने आएगा तो उस प्रॉपर्टी में कितना अवेलेबल है, 8, और लोन कितने का है, 6। क्या सी भी एक फुल्ली सिक्योर्ड है, हम बोले हाँ, तो सर ये भी लिस्ट बी के अंदर आएगा, हम बोले बिल्कुल। तो 8 में 6 अपना सी ले लेगा तब भी 2 बच जाएगा, वो क्या कहलाएगा, हम बोले सर सरप्लस, ये बच गया। आगे बढ़ो। पॉइंट नंबर फोर, प्राइवेट लाइबिलिटी 10,000। बोल रहा है एक प्राइवेट लाइबिलिटी है, कहां जाएगा, हम बोले लिस्ट ए। सर प्राइवेट लाइबिलिटी बिजनेस में क्यों आएगा, हम बोले दोस्त इंसॉल्वेंट हो गए तो तुम्हारा बिजनेस भी जाएगा, घर द्वार भी जाएगा, पर्सन से भी जाओगे, बिजनेस से भी जाओगे, क्योंकि कोर्ट तुम्हारा घर भी बिकवाएगा, क्योंकि उस बिजनेस को चलाने वाले ही तुम हो। तो हम बोल रहे हैं जो घर, जो पर्सनल लाइबिलिटी है, वो भी तो अपना पैसा मांग रहा होगा, तो वो भी आगे लिस्ट में खड़ा होगा, बोलेगा भैया हम भी अनसिक्योर्ड है, क्योंकि प्रिफरेंशियल के अंदर ऐसा कोई नाम तुम लिखवा ही नहीं है प्राइवेट लाइबिलिटी, तो ये भी क्या बनेगा, अनसिक्योर्ड, तो लिस्ट ए में डाल दीजिएगा। पॉइंट नंबर फाइव, लोन फ्रॉम वाइफ 5,000, ब्रैकेट में लिखा है 3,000 आउट ऑफ हर स्त्री धन। लो लोन दी है वाइफ, तो लाइबिलिटी तो है, कितना का लोन, 5,000, लेकिन इसमें सिर्फ 3,000 वो अपने सेल्फ अर्निंग स्त्री धन से दी है, 5 में 3,000 तो लाइबिलिटी माना जाएगा, बाकी का 2 डिफिशियंसी अकाउंट के सर प्रॉफिट वाले साइड में जाएगा, जस्ट लाइक कैपिटल जाता वैसे वो भी जाएगा लोन फ्रॉम वाइफ, और बाकी का 3,000 जो स्त्री धन से है वो कहां जाएगा, लिस्ट ए में अनसिक्योर्ड के अंदर। सर मान लीजिए वहां लिखा रहता है लोन फ्रॉम वाइफ 5,000, फिर कुछ नहीं लिखता तो क्या करते, फिर हम लोग ये मानते कि वो जो लोन दिया हुआ है वो हस्बैंड के अर्निंग से दिया हुआ है, वाइफ के अर्निंग से कुछ नहीं है, तो वो सीधा सीधा कहां चला जाता, डिफिशियंसी अकाउंट में। तो अगर कुछ ना बताए तो हम लोग यही मानते हैं कि वाइफ अर्निंग नहीं करती है, वो अपना पति का पैसा लोन के नाम पे दी है, इसलिए वो कहां चला जाएगा, डिफिशियंसी अकाउंट के प्रॉफिट वाले साइड, जिसको आप लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। हम बोले हाँ। चलो आगे बढ़ा जाए। बिल डिस्काउंटेड 6,000 आउट ऑफ विच ए सम ऑफ 1,500 इज डाउटफुल एंड 1,000 इज बैड। मतलब
हम बिल बैंक से डिस्काउंट कराए 6,000 का, बिल ऑफ एक्सचेंज का बात कर रहे हैं। मेरे पास एक बिल है किसी आदमी का, सपोज कीजिए एक आदमी है सोहन, उससे हमको बिल मिला था, तो हम उस बिल को बैंक को बेच दिए 6,000 का, बैंक हमको 6,000 दे दिया। फिर कुछ समय के बाद मालूम चला जो बैंक को हम बिल बेचे, जब उस बिल का एक समय आएगा, ड्यू डेट आएगा, बैंक मेरे पास नहीं आएगा, वो सोहन के पास जाएगा, क्योंकि बिल किसका नाम का है, सोहन के नाम से। वो जाएगा और बोलेगा सोहन तुम्हारे नाम का बिल है, पेमेंट कर दो 6,000। कुछ समय बीता और हमको ऐसा सुनने में आया कि भाई उसमें 1,000 तो पक्का नहीं मिलेगा और 1,500 पे शक है। तो बैंक जब उससे पैसा लेने जाएगा तो जानते हैं 6,000 रुपया नहीं देगा वो आदमी, 3,500 देगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो बैंक कभी डरता नहीं है, बैंक उससे कुछ पैसा ले लेगा और बाकी 2,500 हमसे मांगने आएगा। तो हम बोल रहे हैं सर जो बिल हम डिस्काउंट कराते हैं, अगर वो बिल डिजॉनर हो जाए या उस बिल के ऊपर कोई शक जनरेट हो जाए तो वो आपका लाइबिलिटी है, बैंक तो आपसे लेने आएगा। तो 6,000 का बिल डिस्काउंट कराए, 6 का 6 में शक नहीं है, शक कितने पे है, 1,500 पे शक है और 1,000 कंफर्म हो गया वो नहीं देगा। तो हम बोले सर 2,500 आपका लाइबिलिटी कहां जाएगा, लिस्ट ए, क्योंकि हम लोग क्लियरिटी के साथ सीखे हैं कि प्रेफरेंशियल कौन कौन होता है, तो कोई ऐसा जगह लिखवाए बिल डिजॉनर नहीं, तो सर वो लिस्ट ए के अंदर है। तो सर 2,500 लिस्ट ए। उसके बाद लिखा है 2,500 ड्यू टू सी फ्रॉड लॉसेस इन स्पेकुलेशन बिजनेस। बोल रहा है 2,500 रुपया का सी से बकाया चल रहा है मेरा, किस लिए, स्पेकुलेशन बिजनेस का। हम बोले सर ये लाइबिलिटी नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस इंडिया में इनलीगल है, तो एक इनलीगल बिजनेस का लाइबिलिटी लीगल कैसे हो सकता है, कोर्ट कैसे बोलेगा इसका पेमेंट करो। तो हम बोले सर स्पेकुलेशन वाला ये जो बात है ये किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। हम बोले हां, आगे बढ़ा जाए। पॉइंट नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ ए फ्रेंड ऑफ इनसॉल्वेंट फॉर द फुल अमाउंट। बोल रहा है 5,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है जो कि गारंटी दिया है कौन, मेरा फ्रेंड। हम बोले सर गारंटी दिया है, सिक्योरिटी नहीं दिया है, तो ये भी लिस्ट ए के अंदर। हम लोग सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का बात कर रहे हैं, गारंटी के बारे में बात नहीं कर रहे, तो कहां चला जाएगा। हम बोले सर लिस्ट ए के अंदर। उसके बाद आगे पढ़ो, ट्रेड क्रेडिटर बिल पेबल, दोनों लिस्ट ए के अंदर। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड फॉर 3 मंथ 1200, 3 महीना किराया 1200, तो 1 महीना का 400। अगर हम लोग प्रेफरेंसी के हिसाब से बनाएंगे तो लिस्ट डी में जाएगा, कितना 400 एक महीना का रेंट और बाकी का 800 अनसिक्योर। और अगर हम प्रोविंसियल से बनाएंगे तो वहां तो रेंट में बात ही नहीं था, सारा का सारा 1200 क्या बन जाएगा, अनसिक्योर। उसके बाद सैलरी फॉर 3 ऑफिस क्लर्क एट द रेट 250 ईच पर मंथ फॉर 4 मंथ। बोल रहा है मेरे ऑफिस में 3 क्लर्क है जिसका मंथली सैलरी कितना है 2,500 रुपया, उसका 4 महीना का बकाया चल रहा है। तो हम बोले सर 3 क्लर्क है, 2,500 750 रुपया बनता है उसका, 1 महीने का 250, 4 महीने में कितना बनेगा 3,000, मैक्सिमम कितना दे सकते हैं 300 रुपया पर क्लर्क, तो 900 रुपया क्या बन जाएगा। हम बोले प्रिफरेंशियल और बाकी का 3,000 में 900 हटा दीजिए तो बाकी का क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। और अगर हम लोग प्रोविंशियल से बनाएंगे तो सर 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया, 60 रुपया बाकी का 2,940 रुपया अनसिक्योर्ड। आगे पढ़ो, फिर लिखा है उसी तरह प्यून, प्यून किस में आएगा। हम बोले सर वही सर्वेंट और लेबर की तरह होता है प्यून, प्यून में उसी में आता है 125 रुपया करके। प्रेसिडेंसी में कितना है इसका 100 रुपया और प्रोविंसियल में कितना है 20 रुपया, उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे, 2 ठो प्यून है। रेट एंड टैक्सेस प्रिफरेंशियल 100% टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है। लाइबिलिटी फॉर एन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड 6,000 नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक फॉर पेमेंट। बोल रहा है 6,000 का एक लाइबिलिटी है जो आपसे 1 भी रुपया नहीं लेगा। तो हम बोले सर 6,000 का लाइबिलिटी है वो कुछ लेगा नहीं, तो मेरे लिए लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो लेता तो फिर लिस्ट ए के अंदर लिखते कि ग्रॉस में 6,000 लेगा कितना। हम बोले सर जितना लेता वो, तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस में लिखेंगे 6,000 की लाइबिलिटी तो है 6 का, लेकिन वो नहीं लेगा, नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक वो नहीं मांगेगा, इसलिए हम लोग का जो एक्सपेक्टेड टू रैंक आता है उसके अंदर कुछ नहीं आएगा। चलिए उसके बाद और कुछ नहीं, तो हम लोग क्या बनाना है, सिर्फ लिस्ट बना के दिखाना है, तो लिस्ट बनाएंगे हम लोग।
चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्या बनेगा? अनसिक्योर। एज पर लिस्ट ए ग्रॉस लाइबिलिटी, क्या हम लोग को दो हिस्सों में बांटना होगा? हम बोले हां, एक है प्रेफिडेंसी, दूसरा है प्रोवेंशियल। ये है लिस्ट ए। फिर क्या बनेगा? लिस्ट बी फुल्ली सिक्योर। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, ग्रॉस लाइबिलिटी, सर इसमें एक ही कॉलम बनाएगी। हम बोले क्यों? क्योंकि सर ये प्रेफिडेंसी और प्रोवेंशियल सिर्फ अनसिक्योर्ड और प्रिफरेंशियल में डिफरकेशन करता है, फुल्ली पार्टली में कोई डिफरकेशन नहीं है। हम बोले करेक्ट, तो सर एक ही कॉलम से काम चल जाएगा। ये था एज पर लिस्ट बी। पार्टली सिक्योर्ड, लिस्ट सी, और लास्ट प्रिफरेंशियल। एच पर लिस्ट डी, ये बना लिए हम लोग फॉर्मेट। इसके अंदर दो हिस्सा बनेगा, एक प्रेसिडेंसी, और दूसरा बनेगा प्रोवेंशियल। चलिए आप भी फॉर्मेट खींचिए कि हां सर इस तरह चार बनाना पड़ेगा। लिस्ट ए थोड़ा बड़ा बनता है इसलिए बड़ा जगह लिए, बाकी सब छोटा बनेगा, दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो जिस लिस्ट के अंदर लगेगा वहां वहां लिखेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी एक्सपेक्टेड टू रैंक। हम बोले हां। चलो पहला लोन फ्रॉम ए, सर ये तो बात कर चुके थे, ये लिस्ट सी में आएगा क्योंकि ये पार्टली सिक्योर्ड है। लोन फ्रॉम ए, कितने का लोन लिए हैं? 40। बदले में क्या दिए हैं? सिक्योरिटी के रूप में मशीन। कितने का? 30। तो कितने का लाइबिलिटी जिसका पेमेंट करना पड़ेगा? 10,000। ग्रॉस में कितना आएगा? 40। लोन लाइबिलिटी 40 और ग्रॉस था। नेक्स्ट लिखा है लोन फ्रॉम बी, ये क्या था? फुल्ली सिक्योर, क्योंकि सर एसेट्स बिका है 40 में, लाइबिलिटी है 32 का। लोन फ्रॉम बी, और लोन फ्रॉम सी भी फुल्ली है क्योंकि उसका ही पैसा पूरा रिकवर हो जाएगा। कितने का दिया है? 6। सब मिला है कितना बना? 38। अच्छा तो इसको अंदर यहां लिख लेते हैं, सॉरी। इसको क्या दिए हैं? सिक्योरिटी में लीज होल्ड प्रॉपर्टी। कितने में बिका है? 40। 2,000 बच गया, ये क्या है? सरप्लस। तो पॉइंट नंबर 3 तक भी खत्म हो गया, सी का बात भी निपटा लिया। इसका ग्रॉस लाइबिलिटी कितना लिखेंगे? 38, 32 और 6, 38,000। पॉइंट नंबर 4,
प्राइवेट लाइबिलिटी 10,000 लिस्ट ए, प्राइवेट लाइबिलिटी दोनों एक्ट के लिए कितना होने वाला है 10,000 क्रॉस में 10,000। पॉइंट नंबर 5 लोन फ्रॉम वाइफ, जो स्त्री धन से है वो तीन हजार और बाकी का 2,000 डिफिशियंसी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा जिस तरह प्रॉफिट लिखते हैं। पॉइंट नंबर 6 बिल डिस्काउंटेड 6,000 आउट ऑफ विच 1,500 इज डाउटफुल एंड 1,000 इज पेड। बिल डिस्काउंटेड कितने का बिल डिस्काउंट कराए, 6,000 का, लेकिन कितने का लायबिलिटी बन सकता है जिसको पेमेंट करना पड़ेगा, 2,500 का। पॉइंट नंबर 7 स्पेकुलेशन बिजनेस का लायबिलिटी नहीं आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट ये आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का, 5,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 क्रेडिटर बिल पेएबल अनसिक्योर्ड, क्रेडिटर है 70, बिल पेएबल है 10, उसके बाद पॉइंट नंबर 10 रेंट फ्रॉम लैंड ड्यू फ्रॉम लैंडलॉर्ड, 3 महीने का रेंट बाकी है। प्रोविंशियल के लिए रेंट प्रिफरेंशियल होता ही नहीं है, लेकिन प्रेफरेंसी के लिए 1 महीना का प्रिफरेंशियल। रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड इसमें तो आएगा ही नहीं, इसमें आएगा 1 महीने का कितना रुपया, 400, 3 महीने का है 1,200, तो 1,200 में 400 प्रिफरेंशियल, तो 800 क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। लेकिन प्रोविंशियल के लिए तो रेंट अनसिक्योर्ड ही होता है, तो सारा का सारा अनसिक्योर्ड है। कितना इसके लिए, 800, इसके लिए 1,200। यहां पे अमाउंट नहीं लिख पा रहे क्यों, क्योंकि सर अगर हम लोग प्रेफिडेंसी का बात करेंगे तो यहां 800 आएगा, प्रोविंशियल की बात करें यहां कितना आएगा, 1,200 आएगा ग्रॉस में, इसलिए हम यहां भी नहीं लिख पा रहे इसका। उसके बाद आगे बढ़िए, फिर लिखा है सैलरी फ्रॉम क्लर्क, सैलरी फ्रॉम 3 क्लर्क, 3 क्लर्क है, कितना महीना का बाकी है, 250 रुपया करके 4 महीना का, तो 1 क्लर्क का कितना बना, हम बोले सर 1,000 रुपया, 1 क्लर्क को 250 रुपया हर महीना देते, 4 महीना से नहीं दिए तो 1,000, 3 क्लर्क का 3,000, लेकिन प्रेसिडेंसी के हिसाब से 1 आदमी का मैक्सिमम 300 रुपया, यहां तो 1 आदमी का सैलरी कितना बन रहा है, 1,000 रुपया, 3 का 3,000, तो 1 का 1,000 मैक्सिमम कहां तक अलाउ कर सकते हैं, 300 रुपया, तो सर 3 आदमी का 900 रुपया, बाकी का 2,100 रुपया कहां चला जाएगा, प्रेफिडेंसी के अंदर लिख रहे हैं सैलरी ऑफ 3 क्लर्क तीन क्लर्क, लेकिन अगर लोग प्रोविंशियल में बात करें 20 रुपया, तो 1 आदमी का मैक्सिमम 20, 3 आदमी का कितना, 60 रुपया, तो 3,000 का बन रहा था, कैसे 3,000, 250 रुपया 1 महीने का 1 क्लर्क का, और 4 महीने का बाकी है, तो एक अकेला क्लर्क का बकाया कितना, 250 250 250 250, 1,000, 3 क्लर्क है तो 3,000, प्रिफरेंशियल कितना, 60 रुपया, तो 3,000 में अगर 60 रुपया प्रिफरेंशियल है तो बचा हुआ 2,940 रुपया क्या बन जाएगा, अनसिक्योर्ड। उसके बाद लिखा है 2 प्यून है,
उसका कितना है सैलरी, लिखा है 125। सैलरी ऑफ टू प्यून 125 रुपया करके दो महीना का बाकी है, तो दो महीना में कितना बनता है एक आदमी का, नहीं टू प्यून है पांच महीने का बाकी है 125 रुपया करके, पहले एक के बारे में सोचो, 125 रुपया करके एक क्लर्क एक प्यून कितना बनता है, तो मुझे सर पांच महीने में उसका बकाया बनता है 625 रुपया, जबकि उसका चार महीना प्रिफरेंशियल है, तो चार महीना में तो 500 रुपया बनता है, जबकि देना कितना है 100 रुपये मैक्सिमम प्रिफरेंसी रूल के अंदर, तो दो ठोका कितना मैक्सिमम देना है 200। तो एक आदमी का अगर 625 तो दो आदमी का 1250, 200 रुपया प्रिफरेंशियल बचा कितना 1050। सैलरी ऑफ टू प्यून इधर मैक्सिमम 40 रुपया, 1250 में 40 घटा दीजिए, से जानते 1250 समझ नहीं आ रहा, बोले क्या समझ में नहीं आ रहा है, एक प्यून का सैलरी कितना है एक महीना का 125, पांच महीना में कितना 625 रुपया, ये तो एक आदमी का है, दो आदमी का कितना, हम बोले सर 625 जोड़ दीजिए, तो दो ठो प्यून का बाकी है 1250, मैक्सिमम प्रेफिडेंसी में 100 रुपया, तो दो आदमी का कितना होगा 200 रुपया, प्रोविंशियल में मैक्सिमम एक आदमी का 20 रुपया, दो प्यून है तो 40 रुपया, तो 1250 में अगर 200 रुपया प्रिफरेंशियल है तो 1050 क्या बन जाएगा अनसिक्योर्ड, 1250 में अगर 40 प्रिफरेंशियल है तो 1210 क्या बन जाएगा अनसिक्योर्ड, लिख दिए देख के। उसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा है रेट एंड टैक्सेस प्रिफरेंशियल, थोड़ा नीचे कर दे आपको दिख नहीं रहा होगा, रेट एंड टैक्सेस 100% प्रिफरेंशियल 2500, चाहे किसी भी एक्ट के अंदर हो गवर्नमेंट अपने आप को 100% प्रिफरेंशियल रखवाती है। उसके बाद रेट के बाद और कुछ हम बोले नहीं, लाइबिलिटी फॉर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वो इसके अंदर आएगा लेकिन ग्रॉस में, इन तीनों ग्रॉस क्यों नहीं लिखे क्योंकि हमको अलग अलग करना पड़ेगा, इसीलिए अब जोड़ेंगे और मैच कराएंगे कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए मैच कराएं, ये तो मैच कर गया होगा, लिस्ट भी देखिए 38,000 और लिस्ट सी देखिए 40,000 सर वो 10,000 नहीं दिखा रहा है, एक्चुअली वो लाइबिलिटी दिखा रहा है, उसका माइनस करके जो बाहर आता है वो नहीं दिखा रहा है, हम लोग सही बनाए हुए, आप टेंशन ना लीजिए। चलिए जोड़ा जाए, इस साइड को जोड़ रहे हैं 10+3 13,000 +2500 +5,000 +80,000 +800 +2100 +1050 ये आएगा 1,04,450। चलिए इधर जोड़े 10, 3, 13,000 +2,500 +5,000 +70 और 10 80 +1200 +2940 +1210 ये आ रहा है 1,05,850। देखिए मैच कर रहा है या नहीं, जी हाँ मैच तो कर रहा है, आइए इसको भी जोड़ लें 400 +900 +200 +2500 4000 2600 लिखिए